हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो भी आपको अच्छा कर देते हैं। एक माइंड ब्लोइंग से सीन के साथ आ गए हैं खेसारी लाल यादव, एंड साथ में कौन है? खेसारी लाल यादव ने किसी ले ली भैया, किसी की, मधु शर्मा की। टाइटल है, टाइटल में लिखा हुआ है खेसारी लाल ने ली पप्पी मधु शर्मा की सबके सामने। और जो टाइटल में लिखा होता है वो हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि कुछ भी लिख देते हैं वीडियो चलाने के लिए। हम भी कुछ भी लिख देंगे, हम भी यही लिख देंगे, देखो हमारी चल जाए तो ठीक है। और अब देखते हैं क्या सीन है ये, क्या नहीं, क्यों ली, कैसे ली, क्या है क्या नहीं, अभी पता चल जाएगा दो मिनट में। और अगर आपको वीडियो लगे अच्छी, हम दोनों लगे अच्छे, हमारे बातें लगी अच्छी, हमारे रिएक्शन लगे अच्छे, हमारे रिव्यू लगे अच्छे, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर ना लगे तो भी कर लेना, क्योंकि अभी नहीं लगेंगे तो बाद में लगेंगे। हम स्वरूप पॉइजन की तरह हैं, आज पसंद नहीं आएंगे तो कल आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंजॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पक्का। लेदर शूज। सड़क का तो है बाप के बाप, जे बीच सड़क पे ठेला लेके खड़ा हो गया। अब की बार तो ठेला की ठोकनी है, अगला बार तोरा के ठोक दे, याद रखियो। अरे वाह, लड़की होए के लड़का का तेवर हा? का कहले तेवर? तो सुन, अब उस जमाना गई जब औरत मर्दन की जूती होत रहे। हाँ बिल्कुल एकदम सही। राजनीतियों या खेल के मैदान हर जगह लड़कियन जात अपन तेवर दिखा रहल बिया। हाँ, हाँ, बिल्कुल हाँ एकदम राइट। सुन लो, हाँ, दुनिया में ऐसा कोनो काम नहीं हाँ। के जवन सिर्फ मर्द कर सकेला हाँ। और औरत ना कर सकेले। क्षमा चाहता नहीं सुनामी देवी, बीच में बोले खाती भागा पर लाना। ए मैदान छोड़ के भाग्य वाली लड़की ना है हम। मैदान में अभी पता चल जाये कि जवान काम हम कर सकीले। फंस गई बातों में, कर सकलू कि ना? हमरा मंजूर बा। अच्छा बातों में फंस गई। फंस गई। उतारा उतारा ऐसे उतारा ऐसे उतारा। चल हट, जाहिल गवान कहीं के। हम जाहिल नहीं ना होई। आई एम सातवां पास, फर्स्ट डिवीजन, सातवां पास। पास भी नहीं खे, हट। बैडमिंटन खेल। अरे रे, चिड़ी फंस गई भाई। मैं भी नेशनल खेली हुई हूँ बैडमिंटन में। संभाल सपनों में नहीं। फंस गई भाई। तू छोड़ हम रखे, छोड़ हम रखे। कैसे मुंह भर छोड़ देने? ओ मां, मार कमर, यू इडियट। अंग्रेजी में बड़ा निमन शुक्रिया करत रहलो कि है बनरियन खानी गाछी पक्का कर करल हो। ओ हमार क कट गेल बा। अब तो तोहरा मानिए लेबे के चाही कि सब काम औरत नहीं खिसा कर सकत। ज्यादा स्मार्ट बनताड़ा, चुम्मा ले सकत आनी। कहा तू हमरा के छूबो ना और चुम्मा ले लेबो। कुछो पागल कहीं के। अगर तोरा विश्वास नहीं करो तो लागल 100 रुपए के बाजी। ठीक बा, लागल छ पक्का। का मौसा ले ली। ओके पागल, तू हार गई ला। अरे सिर काट दिया। हां हार गई नहीं रे। यस, अगले को तो चुम्मा लेना था, बस ले लिया। एक बार और लगा ले। एक को चुम्मा मिल गई ले बा। ये तो सचमुच बहुत स्मार्ट निकले, 100 रुपए में तार चुम्मा ले लिया। लेस काजल, काजल ना जो नाक के रौनक बढ़ा दे ले। फुल आशिक मिजाज है खेसारी लाल यादव है। तो गाइज, बड़ी फनी और रोमांटिक टाइप का क्लिप थी ये। हाँ। बहुत एंजॉय किया मैंने, मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक। वो फर्स्ट साइट लव हो जाता है ना, वो हुआ है। हाँ। इस मूवी में इनको
देखते ही हो गया है प्यार और लस्ट सीन, पता चला भी इनका नाम है काजल, वही जो आंखों की रौनक बढ़ा दे। तो माइंड ब्लोइंग लगा मेरे ट्रेलर स्टार्ट, लेकिन वो किसिंग वाला सीन काट दिया चुम्मा लिया उन्होंने गाल पे उनका, वो काट दिया, वो नहीं काटना चाहिए था। और अच्छा था, काफ़ी फनी था, क्यों 100 रुपये में उल्लू बना के, लड़कियों में दिमाग इतना ही होता है उनका, उल्लू ऐसे बन जाता है, तो उल्लू बना के भाई अपना काम साथ। पर लड़कियों को ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि भी लड़का लड़की बराबर होते हैं, मतलब जो लड़का कर सकता है भी। यार ये झूठ है यार, ये लड़की मतलब मैंने भी एक रील देख रहा था कल, मतलब स्क्रॉल कर रहा था, एक रील आई मेरे सामने, एक बंदे ने मतलब अपनी पत्नी को ऐसे गले से लगाया हुआ है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, पूरा सैड स्टेटस है, और उसमें लिखा हुआ है भाई मेरी पत्नी को भाई लाइलाज बीमारी होगी जिसका कोई इलाज नहीं, और हमें आज ही रिपोर्ट मिली, आज ही पता चला है। और वे बहुत कमेंट है उस पर, हजारों कमेंट है उस वीडियो उस पर। उसके बाद जब अगली क्लिप चेंज होती है ना उसी रील की, जब अगली क्लिप चेंज होती है तो उसकी पत्नी का एक्सरे दिखाया हुआ है उसमें, घुटनों का एक्सरे, उसके अंदर दिमाग है, मतलब उसकी पत्नी को लाइलाज बीमारी क्या है, उसकी पत्नी का दिमाग घुटनों में है, समझ रहे हो? तो उस आदमी का पत्नी इतनी बुरी बीतरी थी, मतलब रो रहा था कि भाई मेरी पत्नी को लाइलाज बीमारी होगी, हाँ कि भाई ड्रामा कर रहा है। तो ये वैसे ही फिर इनको फिर ये तो ना वैसे ही ना, ये जो बातें बनती हैं ऐसे ही नहीं बनती, बातों के पीछे कोई बातें होती हैं, हाँ, तभी बनती हैं। फिर वो रील देखने के बाद इनको पता लगा, अरे पागल ना, इलाज तो है, चलो कोई बात लेकिन नहीं, लेकिन सबके साथ है, तो देखिए ये तो मेरी बीवी में किसी को नहीं है, सबके साथ ही है, किसी किसी को ना हो तो मेरे को पता नहीं, ऐसे मैंने कभी सुना नहीं ऐसा चमत्कार हुआ हो। यार मेरे को समझ नहीं आता, प्लीज कमेंट करके बताना कि सब अपनी पत्नियों से इतना दुखी क्यों रहते हैं, क्या दुखी क्यों रहता, मैं तो दुखी नहीं हूँ भाई, लेकिन मजाक करना, हंसी मजाक जरूरी है, प्यार प्रेम बना रहता है, हंसी मजाक चलता रहे तो, और दुखी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ओके तो गाइज हमें ये वीडियो लगी माइंड ब्लोइंग, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बताएं, हम उन पर भी रिएक्शन लाते रहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो मिस आउट कर जाते हैं, जो आप लोग हमें अपडेट कर दो, हम उन पर रिएक्शन ले आएंगे। इसी आधार इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।